ये एक्चुअली आज सुबह इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास, तो ये हाथी अभी मस्त में है और ये चीला की साइड से आया। रात को शायद फाइटिंग हुई है हाथियों के बीच में और ये थोड़ा इंजर्ड है और पिछले 3-4 घंटे से यहीं पे स्टेबलाइज हो रखा है हाथी। तो हमारी टीम इसको पूरा प्रोटेक्ट की हुई ताकि ये शहरी क्षेत्र में ना आए, और इसको अभी हमारी सारी टीमें आ रही हैं, डॉक्टर भी यहाँ पे आ गई हैं, तो और बाकी जो हमारी कुन की हाथी हैं वो भी आ गए हैं। तो अब हम इसको सेफली ड्राइव करेंगे चीला की तरफ। अभी थोड़ा सा जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं वो ये है कि जो ये रिवर है बीच में थोड़ा गहरी है और हाथी थोड़ा अभी पूरे सेंसेशन में नहीं है, तो इसलिए उसके बहने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम इसको थोड़ा टाइम दे रहे हैं और जैसे हमारी जल पुलिस, हमारे पास पूरी स्पीड बोट हमने मंगाई है, कुन की हाथी आ गए हैं और इसको सेफली ड्राइव करेंगे हम चीला की तरफ। अभी तो हाथी जैसा आप देख ही रहे हैं कि पानी के बीच में खड़ा हुआ है, तो इस टाइम पे हम उसे ट्रैंकलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने अभी ट्रैंकलाइज किया तो उसके डूबने के चांसेस हैं पानी में। तो हम वेट कर रहे हैं कि ये या तो इस पार या फिर गंगा पार करके चीला की साइड पे जब ये ज़मीन पे उतरेगा तब हम इसे ट्रैंकलाइज करके और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ड्राइव करने की कोशिश करेंगे चीला की तरफ, क्योंकि इस तरफ आबादी क्षेत्र है और चीला की साइड जंगल है, तो अच्छा यही होगा सबकी सेफ्टी के लिए कि हम इसको चीला की तरफ ड्राइव करके और वहाँ पे इसको ट्रैंकलाइज करें और वहीं ट्रीटमेंट करें।